Assalamualaikum. I'm sure you must have been tired enough after listening to many presentations earlier. और कोशिश करूँगा कि ये highly practical हो ताकि आप बोर ना हो. ठीक है, तो let's move. So we'll talk about thyroid sonographic. Just basic. First of all, इसमें हम सीक्वेंस ये होगा हमारा कि पहले बेसिक anatomy थोड़ी सी, फिर sonographic anatomy, फिर indications, technique, pathology में बिनाइन मैसेज और मिलिग्रेंट मैसेज, और उसके बाद रोल ऑफ डॉपलर. अब इसमें बेसिक एनाटॉमी में जैसे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यू ऑल नो दैट थायराइड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया विद स्टमस इन फ्रंट एंड बोथ लोब राइट एंड लेफ्ट ऑन ईदर साइड. नो, अब इसमें पता है क्या, पेशेंट जो है प्रेजेंट करते हैं दो तरह से. या तो ये है कि पेशेंट जो है वो क्लिनिशियन कोई ना कोई रेफर करेगा आपके पास, केलॉजिस्ट को थायराइड स्वेलिंग है या थायराइड का मसला, तो या फिर पेशेंट खुद आ जाता है, या तो उसके साइन एंड सिम्टम से प्रेजेंट करेगा या स्वेलिंग से प्रेजेंट करेगा. उसके बाद ये है कि अब हमने ये देखना है कि सोनोग्राफ फीचर्स जो है ना वो नॉर्मल क्या होंगे थायराइड के. एक्चुअली थायराइड जो है ना ये हाइपर इक्विक होता है टू द सराउंडिंग मसल्स, होमोजीनस होगा. फिर उसके बाद ये है कि लोब्स लेस देन 2 सेंटीमीटर जो है ना वो एंट्रोपोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर, जो लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर है वो इट विल बी 4 to within 4 to 6 सेंटीमीटर, और इस्थमसिस का जो है ना वो लेस देन 4 मिलीमीटर होगा. अब दिस इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ द थायराइड ऑन अल्ट्रासाउंड इन ट्रांसवर्स सेक्शन. ये देखें, ये राइट लोब ऑफ थायराइड है, ये लेफ्ट लोब है, और ये इस्थमस है, एंड इट इज हाइपर इक्विक टू द सराउंडिंग मसल्स. ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये अपर पोल है और ये लोअर पोल है. उसके बाद डॉपलर, यानी नॉर्मल जो थायराइड डॉपलर पे किस तरह नजर आएगा वो आपके सामने है. ये नॉर्मल फ्लो है, इट्स यू नो क्वाइट एडिक्वेट ब्लड फ्लो थायराइड इज हैविंग. उसके बाद इसकी इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशन में है कि अगर कोई पेल्पेबल मैस आपको नेक नज़र आ रहा है उसमें आपने करना है. फिर ये है कि कोई अगर सीटी स्कैन किया है तो सीटी स्कैन के बाद रिट्रोस्पेक्टिव भी आप देखना चाह रहे हैं, थायराइड का मसला कोई निकल रहा है तो आप उसका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. या फिर ये है कि अगर किसी को मेटास्टेसिस है तो उसको रूल आउट करने के लिए कोई अकल मेलिग्नेंसी थायराइड में तो नहीं है तो थायराइड का हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं. या फॉलोअप करने के लिए किसी पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसका फॉलोअप करने के लिए. अच्छा, अब टेक्निक क्या है, टेक्निक में ये आपने पेशेंट को इसको आपने सीधा लिटाना है, और ये जो नेक है ना पेशेंट की इट शुड बी पार्शली एक्सटेंडेड, बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करनी नेक, ठीक है, सेमी एक्सटेंडेड. और जो पिल्लो है वो आपने नेक के नीचे भी रखना है और थोड़ा सा शोल्डर के नीचे भी आ जाए. ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसमें आपको ये नजर आ रहा अपर पोल और लोअर पोल. उसके बाद ये है कि जो नॉर्मल सोनोग्राफ फीचर्स हैं, अगर बिनाइन पैथोलॉजी नजर आ रही है, बिनाइन नोड्यूल्स, तो उसमें क्या क्या होंगे. उसमें देखें, हमारे पास ये लार्ज सिस्टिंग कंपोनेंट की शक्ल में भी आ सकता है, हाइपर इक्विक या आइसो इक्विक नोड्यूल्स की शक्ल में भी हो सकता है, फिर कॉमिटल आर्टिफैक्ट्स की शक्ल में भी, फिर इसमें थिन पेरिफेरल जो है ना वो हाइपर इक्विक हालो होगा, उसके बाद वेल डिफाइंड होगा ये, और एग सेल कैल्सिफिकेशन भी इसमें नजर आ सकती है, मल्टीपल नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, और ब्लड फ्लो जो पेरिफेरल, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बी9 नोड्यूल्स के हैं. अभी आगे आपको फिर इसके ना इमेजेस भी दिखाता हूं. अब मलिग्नेंट के देखें, मलिग्नेंट में यूजुअली एंटायरली सॉलिड होता है, हाइपोइकिक यूजुअली होता है. अब थिक पेरिफेरल हाइपोइकिक हाल होगा, उसमें थिन है, इसमें थिक है. उसके बाद इसके मार्जन्स रिलेटिवली इररेगुलर होते हैं, माइक्रो कैल्सिफिकेशन नजर आ सकती है, और साथ एसोसिएटेड लिम्फेडिनोपैथी नजर आ सकती है, और इंट्रा नोडुलर ब्लड फ्लो भी इसमें होगा. आप देखें, ये बी9 नोड्यूल्स दिखाने लगा हूं आपको. ये देखें, एक नोड्यूल की ये शक्ल है कि ये हिट्रोजीनियस भी नजर आ सकता है, ये वेल डिफाइंड, और ये नोड्यूल हाइपरप्लेजिया. आप देखें, इसमें ज्यादातर आपको पेरिफेरल ब्लड फ्लो नजर आ रहा है, अंदर इतना ब्लड फ्लो नहीं है, जबकि मेलिग्नेंट में अंदर भी फ्लो नजर आएगा. ये देखें, मल्टी नोडुलर गाइटर. अब इसमें ये मल्टीपल नोड्यूल्स हैं, हाइपर इक्विक हैं, और साथ सराउंडिंग थिन हेलो है, ठीक है. अब इसमें भी देखें, ज्यादातर पेरिफेरल ब्लड फ्लो है. उसके बाद ये है कि बास का नोड्यूल ऐसे नजर आएंगे जिनकी जो इकोजेनिसिटी है वो सराउंडिंग नॉर्मल थायराइड के बराबर होगी, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना. लेकिन अल्लाह ताला ने
हमें एक बड़ा अच्छा साइन नेचुरल दिया है कि सराउंडिंग हेलो नजर आता है बिकॉज ऑफ एडिमा, और इससे हम पहचानते हैं ये सराउंडिंग आपको हाइपोक्यूबिक जो हेलो नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ एडिमा है, ठीक है। लेकिन आप देखें इसकी इकोजेनिसिटी और इसकी बराबर है, नॉर्मल की और अंदर जो इसकी नोड्यूल की वो इकोजेनिसिटी बराबर है। दीज नोड्यूल्स दे आर डिफिकल्ट टू पिक इट अप, लेकिन अगर सराउंडिंग हेलो पे आप तवज्जो देंगे वो पिकअप हो जाएंगे। ये कोलेंट नोड्यूल है, अब इसमें यह है कि जो कोलेंट मटीरियल होता है, अब इसमें यह है कि ये जो है ना छोटे छोटे आपको कॉमिटेल आर्टिफैक्ट नजर आते हैं बिकॉज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट विद इन द फॉलिकल्स ऑफ द थायराइड। ये देखें ये टिपिकल कॉमिटेल आर्टिफैक्ट्स हैं और ये कार्डिनल साइन है कोलेट्स, इसका याद रखिएगा। अगर ये कॉमिटेल आर्टिफैक्ट्स आ जाए तो इट इज कोलेट सिस्ट अनलेस प्रूफ अदरवाइज। ये देखें ये भी कितने अच्छे नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये सिंपल सिस्ट है। अब आप यहां डिफ्रेंशिएट करें सिंपल सिस्ट में और कोलेट सिस्ट में, आप देखें यहां पर कोई कॉमिटेल आर्टिफैक्ट्स नहीं आ रहे, जबकि कोलेट सिस्ट में कॉमिटेल आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह मैंने आपको बता दी, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये देखें ये पेरिफेरल नोड्यूल कैल्सिफिकेशन है नोड्यूल, ये भी बिनाइन नोड्यूल है। उसके बाद ये भी डिफरेंट कैल्सिफिकेशन, कोई पंक्चर कैल्सिफिकेशन भी आ सकती है बीच में, ठीक है। अच्छा एक हाशिमोटोज थायरॉइडाइटिस है, ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, इसमें देखें मल्टीपल आपको टाइनी हाइपोइक नोड्यूल्स नजर आएंगे डिफ्यूज, और जब आप डॉपलर करेंगे ना इसका तो मार्क्ड ब्लड स्प्लेन नजर आएगी, ठीक है। इसमें लिम्फ नोड भी नजर आ सकते हैं। उसके बाद ग्रेव डिजीज देखें, ग्रेव डिजीज में देर इज डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लोब, दोनों लोब्स की देखें डिफ्यूज एनलार्जमेंट राइट और लेफ्ट, इसमें ही ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होती है। देखें आप डॉपलर करेंगे तो ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा। ये भी ग्रेव डिजीज का केस है। उसके बाद ये थायराइड एब्सेस है, इसमें भी हाइपोक नजर आएगी, लेकिन जाहिर है हिस्ट्री होगी ना इसमें, आपको पेन होगी, टेंडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन के साइन होंगे, ठीक है। अगर कोई हेमरेज होगी किसी नोड्यूल में तो वो आपको इस तरह की नजर आ सकती है, हाइपोक विद फाइन इंटरनल इकोज। उसके बाद ये देखें ये मेलिग्नेंट नोड्यूल है। अब आप गौर से देखें मेलिग्नेंट नोड्यूल का इसके मार्जिन देखें जरा, इरेगुलर है कि नहीं, ठीक है, और हिट्रोजीनस भी है। ये मेलिग्नेंट नोड्यूल एक नजर आ रहा है, इसमें भी मार्जिन इतने ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये हाइपोक्यूबिक है और सॉलिड नोड्यूल है। इट इज अनदर एग्जांपल, इसमें साथ कैल्सिफिकेशन है मेलिग्नेंट नोड्यूल। अब आप यहां पे देखें ये देखें पेरिफेरल ब्लड फ्लो भी है और इंट्रा नोड्यूलर भी है कि नहीं, ठीक है, तो ये मेलिग्नेंट नोड्यूल। अब अंदर यहां पर भी देखें कितना अंदर भी फ्लो है और पेरिफेरी पे भी है, तो अगर इस तरह का फ्लो नजर आए तो आपने मेलिग्नेंसी को सोचना है। ये कॉम्प्लेक्स नोड्यूल है, इसमें सिस्टिक कंपोनेंट भी है, सॉलिड भी है, और ब्लड फ्लो में अंदर फ्लो भी है और बाहर भी है, और ये भी मेलिग्नेंट था। उसके बाद जस्ट वन और टू वर्ड्स अबाउट पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड में आपको पता है ये चार होते हैं, दो सुपीरियर दो इन्फीरियर हैं, और प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थायराइड। इसमें पैराथायराइड एडिनोमा जो है वो भी हम अल्ट्रासाउंड नेक पे हम जो है ना डायग्नोज कर सकते हैं। यहां पर देखें ये पोस्टल लेटरल एस्पेक्ट भी होता है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये पैराथायराइड नोड्यूल है ये थायराइड नहीं है, कैसे? इस तरह है कि इसके गिर्द वेल डिफाइंड कैप्सूल होगा, ठीक है, और यूजली सिंगल होगा, और टिपिकल इसकी लोकेशन होगी पोस्टल लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड, और बाकी आप फिर डॉपलर भी करेंगे और डॉपलर में भी इसमें आपको फ्लो नजर आएगा। अच्छा जो पैराथायराइड है वो आपको सिंगल वेल डिफाइंड की शक्ल में भी नजर आ सकता है और मल्टी लोबुलेटेड की शक्ल में। यहां पर देखें मल्टीपल लोबुलेशन है पेरिफेरी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लड फ्लो देखें, ब्लड फ्लो अंदर भी है और बाहर भी है। थैंक यू वेरी मच।